Hello, good morning. So my dear friends, today we are going to discuss some important points on the topics parabola from coordinate geometry. So now we will discuss about chord, focal chord, conditions of focal chord and positions of a point with respect to a parabola and intersections between the line and the parabola. So my dear friends, मैंने इधर कुछ questions रखा है. ये questions आपको खुद करना है. Clear जब तक आपका basics clear नहीं होगा. Clear ये सारे questions मैंने रखा है बेकूफ बनने के लिए रखा है. ठीक है. लेकिन ये सारे questions interesting है. Clear इस type का questions भी पूछा जाता है. मैंने ही पहले रखा है two parabolas are said to be equal if they have the क्या होगा. Vertex होगा, directrix होगा, later segment होगा, next axis होगा. So like this. ठीक है. The length of y intersection y axis cut off by the parabola this clear. So मैं चाहता हूँ जी ये questions खुद आपको आपको करना चाहिए. जब ये सारे concept मालूम होगा और जो मैंने previous video में clear जो concept बताया था वो सारे concepts को merge करके मैंने ये सारे questions अपना तरफ से रखा है. Clear यहीं पे the center of the parabola ये बेको बनने के लिए रखा है. आपको confused करने के लिए मैंने रखा है. Clear कहीं कुछ theory आपको नहीं मिलेगा. Clear. So that means के वो सारे basics मैं बताऊंगा वो आपको समझना है और बिल्कुल jump नहीं करना. So my dear friend, clear मेरा सारे video को from the beginning to end watch करो. Watch till ends. ठीक है. Clear. It's your duty. Otherwise ये सारे hard work करके कुछ आपको फायदा नहीं होगा. Clear. आपका जो output है ये zero होगा. Clear. Jumping करके खाली questions पढ़ करोगे theory नहीं होगा करोगे. ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है. बोर्ड एग्जाम में जैसा क्वेश्चंस करके जाओगे वही क्वेश्चंस आएगा. लेकिन यहीं पे क्या है आजकल नंबर ऑफ कंप्यूटर इतना ज्यादा है इसलिए क्वेश्चंस जो बनाते हैं ना हर एक बेसिक्स डेफिनेशन से क्वेश्चंस बनाते हैं. आपको सारे सारे डेफिनेशंस का ऊपर ध्यान देना चाहिए. बेसिक्स का ऊपर ध्यान देना चाहिए. इफ यू वांट टू गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन जेई मैथ्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट एनी डिफिकल्टी. क्लियर. सो मैंने यहीं पे जस्ट रखा है. मैं देखूंगा. क्लियर. सो दैट मीन्स क्या ये सारे क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड यू कैन सॉल्व. क्लियर. सो दैट मीन्स क्या इस टॉपिक्स के ऊपर जब आप ध्यान दोगे तो यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर. सो दैट्स ऑल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, कंडीशंस ऑफ फोकल कॉर्ड, पोजीशंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए पैराबोला एंड इंटरसेक्शंस बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला. ए मैंने ए नोट लिख कर दिया है. ए नोट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए. दो पैराबोला कब इक्वल होगा ना इफ दे हैव द सेम लेटर स्पेक्ट्रम. पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता है. सेंटर किसका होगा ना सर्किल का होगा, एलिप्स का होगा एंड हाइपरबोला का होगा. पैराबोला का कोई सेंटर नहीं है. क्लियर. एंड लेटर स्पेक्ट्रम सो जैसा पैराबोला के लिए लेटर स्पेक्ट्रम क्या था इन एवरी केसेस सो दैट इज 4a था. लेकिन ये लेटर स्पेक्ट्रम का अलग डेफिनेशन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स. ये जब मालूम होगा जो मैंने क्वेश्चन फोर क्वेश्चन रखा था ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट. नेक्स्ट इज कॉर्ड है. कॉर्ड का क्या मतलब है देखो. सो दिस इज कॉर्ड. कॉर्ड का मतलब क्या है ना कोई एक पैराबोला है. ठीक है. सपोज लाइक दिस. ठीक है. कोई एक पैराबोला है जैसा देखो ऐसा एक पैराबोला है. ठीक है. वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स. क्लियर. ये किसका है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स. कॉर्ड का क्या मतलब है. सपोज कोई एक पॉइंट जब कंसीडर करोगे पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर करना. सो दिस इज t2 का स्क्वायर ट्वाइस t2 है. क्लियर. सो इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट सो दैट इज कॉल्ड ए कॉर्ड. ठीक है. कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला. सो अभी क्या है इसका इक्वेशन क्या होगा ना स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा देखो. स्लोप ऑफ पी क्यू सो दैट इज ट्वाइस ऑफ t2 माइनस t1 बाय ए इंटू t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर. सो दैट इज इज व्हाट ना सो दिस इज t1 प्लस t2 है. क्लियर. एंड इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा सो दैट इज वाई माइनस ट्वाइस ए t1 इक्वल टू क्या होगा. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस ए t1 स्क्वायर. ये है कॉर्ड.
ठीक है, क्लियर। सो जब ये कॉर्ड है तो ये कॉर्ड का इक्वेशन है। अभी फोकल कट कब होगा ना, फोकल कट होने के लिए इसको फोकस से पास करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स दिस इज अ पैराबोला, तो इसका फोकस क्या है ना, सो दैट इज ए जीरो है, तो इससे पास करा दो, क्लियर। वाई का जगह पे जीरो पुट करो एंड एक्स का जगह पे ए रखो, सो दिस इज जीरो माइनस ट्वाइस टी वन, सो दिस इज टी वन प्लस टी टू एंड सो दिस इज ए माइनस ए टी वन का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज देखो ये टू टू तो कैंसिल है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दैट इज वेल माइनस ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी वन टी टू, सो दैट इज ए माइनस ए टी वन का स्क्वायर, देखो ये इसका साथ कैंसिल है, ठीक है, सो दैट मीन्स यहीं से क्या बच रहा है देखो, सो दिस इज टी वन इंटू टी टू, सो दैट इज इक्वल टू माइनस वन, सो दिस इज कंडीशन ऑफ ए फोकल कॉर्ड, ठीक है। कंडीशन सब फोकल कॉर्ड का क्या मतलब है, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन, सपोज ऐसा भी तुम कंसिडर कर सकते हो, सपोज दिस इज पी का कोऑर्डिनेट जब ऐसा होगा ए टी स्क्वायर ट्वाइस ए टी, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो, सो दिस इज ए, ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, द ए बाई टी का स्क्वायर माइनस टू ए बाई टी है, क्लियर, ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस, एंड सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस कर्व, क्लियर, सो दैट इज व्हाट पी क्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू यू कैन राइट एस पी प्लस एस क्यू है, ठीक है, ए एस पी क्या होगा, सो दिस एस पी का मतलब है, क्लियर, सो दिस इज एस पी क्या था, एस पी इज इक्वल टू पी एम, पी एम क्या था, एक्स प्लस ए है, क्लियर, एक्स का जगह पे क्या लिखोगे ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ए टी स्क्वायर प्लस ए एंड ए, सो दिस इज एस पी प्लस एस क्यू, ए क्या लिखोगे ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए, सो ए को कॉमन ले लो, सो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू है, सो दिस इज टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, सो दैट इज द कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला, सो लाइक दिस, इसका जो लेंथ है ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए पैराबोला, ठीक है, क्लियर, सपोज इफ यू कंसीडर ए जो पैराबोला है इसको कर्व लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड पी जो पॉइंट है सपोज यू कंसीडर लाइक दिस, ठीक है, क्लियर, ऐसा एक पैराबोला है, ठीक है, सो सपोज पी यहीं पे है, सपोज पी यहीं पे है, क्लियर, एंड सपोज पी यहीं पे है, क्लियर, इसका क्या मतलब है, पी जब आउटसाइड में होगा वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन इज पॉजिटिव है एंड पी जब ऑन द पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वन, सो दैट इज माइनस फोर एक्स वन इक्वल टू जीरो है एंड वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन, सो दैट इज नेगेटिव है, पी जब आउटसाइड ऑफ द पैराबोला दिस इज पॉजिटिव, पी ऑन द पैराबोला दिस इज इक्वल टू जीरो, पी इनसाइड ऑफ ए पैराबोला सो दिस इज लेस देन जीरो है, ये कंडीशंस आपको मालूम रखना है, ठीक है। अब एक इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला, सपोज ए पैराबोला इज व्हाट नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एंड बाय कर्व, सो दिस इज एंड लाइन इज व्हाट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, क्लियर, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, देखो ऐसा पैराबोला है, क्लियर, डू नॉट इंटरसेक्ट, और सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट किया और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो आप क्या करोगे, सो दैट इज एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू दिस, सो इट विल गेट एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, सो दिस इज एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एम सी माइनस टू ए इंटू एक्स एंड सो दैट इज व्हाट सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करोगे, इसका डी का वैल्यू को आपको फाइंड करना चाहिए, डी का वैल्यू क्या होगा, सो डी स्टैंड फॉर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, सो दैट इज इसका डी क्या होगा, देखो बी स्क्वायर 4 इंटू एम सी माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर एम सी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो इसका साथ कैंसिल हो गया,
ठीक है, अगेन 4 को कॉमन ले लो, सो दैट इज इज वेयर 16a का मतलब है a माइनस सी एम है, क्लियर। अभी जब ऐसा होगा डू नॉट इंटरसेक्ट, सो दैट टाइम d इज नेगेटिव है, d a पे ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a तो पॉजिटिव है, सो दैट इज a माइनस सी एम इज नेगेटिव है, क्लियर। सो दैट मीन्स a क्या होगा, a इज लेस देन सी एम है। अभी जब क्लियर टेंजेंट होगा, सो a इज इक्वल टू सी एम है, सो दैट इज c इज इक्वल टू क्या होगा ना, a बाई एम है, ये कंडीशंस है। सो दिस इज कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, एंड रियल पॉइंट में जब कट करेगा, सो a माइनस सी एम इज ग्रेटर देन 0 है, सो e इज ग्रेटर देन सी एम है। सो दैट मीन्स क्या, a डू नॉट इंटरसेक्ट, दिस लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट द पैराबोला, कंडीशंस इज दिस, and this is a tangents to a parabola, c is equal to a by m, and this is d is greater than 0 means kya, so this line intersects the parabola in two real points, so that is a is more than cm hai, clear। ab jab tangent hoga, dekho a jab tangent hoga iska equations kya hoga, y is equal to mx plus a by m hai, clear। y is equal to mx plus a by m ka kya matlab hai, any tangents to the parabola y square equal to 4ax can be considered as y is equal to mx plus a by m, where m kya hai, name is the slope of, clear, slope of the tangent hai, clear, and conditions of tangency kya hai, the line y is equal to mx plus c will be a tangents to the parabola y square equal to 4ax if c is equal to a by m hai, ये सारे बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, अदरवाइज यू विल फेस सो मेनी डिफिकल्टी, दैट्स ऑल। नाउ वी विल डिस्कस टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोकल कॉर्ड, इफ पी दिस बी द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला दिस देन फाइंड इट्स लेंथ है, क्लियर। ऐसा पैराबोला है, सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, and here like this, ऐसा focal cord, so this is at square twice at, तो q, q का coordinate क्या होगा, a by t square minus 2a by t है, clear, so this is like this, ठीक है। अभी देखो इसका बोल रहे हैं, so this is इसका length क्या होगा वो आपको find करना है, pq is equal to is what, ना pq is equal to sp plus sq है, ठीक है, एस पी क्या होगा ना ए टी स्क्वायर प्लस ए है, एस क्यू क्या होगा ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए है, ए को कॉमन ले लो, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू, सो दिस इज टी प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो इसका लेंथ क्या है ना, सो दैट इज इज ए इन टू दिस, सो दैट मीन्स इफ यू नो द बेसिक्स विद इन ए मिनट यू कैन find out its the solutions. If the focal cord makes an angle theta with the positive directions of x-axis, clear, then prove that its length is 4a cosec square theta. तो ये जो diagram है, same diagram you can draw here. So this is y square equal to 4x. ठीक है, clear. So this is y square equal to 4x. में you can find out. So this is y square equal to 4x, as I have focal cord. So this is P, this is Q, and this is theta है. Clear? A देखो, at square twice at, और ये क्या होगा? So this is a by t square minus 2a by t है. Clear? So my dear friends, इसका जो slope होगा, clear? Slope क्या होगा देखो? So this is tan theta. Slope तो tan theta है. Clear? So this is what you can write, so twice a t, and so this is twice a by t hai. Next what you will write, a t square minus a by t ka square, theek hai, so what you will write, so that is 2 by t plus 1 by, theek hai, clear, so this is t minus 1 by t hai, theek hai, so that is t minus 1 by t, ye to tan theta hai, so that is 2 by tan theta, so this is 2 cot theta. अभी इसका length क्या होगा, इसका length तो PQ है, इसका length क्या था, a into t plus 1 by t का whole square,
So this is, what will write now? So this is t square, ठीक है, by इसको squaring कर दो, squaring जब करोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो a minus b का whole square, ठीक है, clear, a plus b का whole square है, so this is t square plus 1 by t square plus 2 है, clear, और इसे लिखो t minus 1 by t का whole square plus 4ab, ठीक है, clear, so a square plus b square, हमें चाहिए, clear, so this is t square plus 1 by t square plus 2 है, clear, अभी देखो इसको squaring कर दो, इसको जब squaring कर दोगे, so तुम्हें क्या मिलेगा, देखो, so this is t square plus 1 by t square का value मिल जाएगा, ठीक है, so that is minus 2 इधर कर दो, so this is 1 plus cot theta, ठीक है, clear, so that means, oh sorry, so the squaring जब करोगे, इधर is 2 and so this is 4 cot square theta, so that is what, clear, so this is 2 plus 4 cot square theta plus 2 है, 2 and 2 common, this is 4, so that is equal to 4a 1 plus cot square theta, so that is what, 4a cosec square theta, और एक बार देख लो यहीं पे theta क्या है, slope at n theta, जब दो points given है, x1 y1 and x2 y2, उसका slope क्या होगा, y2 minus y1 by x2 minus x1, clear, वही लिखा है, so that means tan theta, so इसका value 2 cot theta हो गया, अभी क्या है, हम लोगों ने यहीं पे find किया था, ये है, clear, so focal point का जो length है, into t plus 1 by t का whole square, this, इसको squaring कर दिया, so ये result मिल गया, so that is equal to is what, now 4a cosec square theta, clear, so that's all. Now we will discuss two fantastic questions related to basic parabola. So this is, if a point, this is an exterior point of the parabola as like this and this, so clear, so this is, ye kya hai, y square equal to x plus 1 hai, clear, ye kahan pe 0 hoga, minus 1 pe, and so this is a rightward parabola, ye kya hoga, now so this is y square equal to like this, negative hai, so like this, negative jab hai, so this is a point like this, theek hai, clear, so tumhe kya consider karna hai, dekho tumhe batana hai, a point suppose yahi pe hai, suppose this is, suppose a p point hai, clear, lambda 2 hai, so that means kya, jab bahar hoga, clear, ye jo point hai, bahar ka matlab kya hai, positive hoga, so this is lambda square minus, theek hai, so sorry, this is lambda, lambda put karo, so that is 2, is pe lambda, clear, jaisa dekho, y square, koi ek point jab put karoge, y square equal to 4x, tumhe isko aisa hi rakhna hai, minus 4x 1, jab bahar hoga, so this is positive hai, clear, andar hoga point, so this is negative hai, clear, so isiliye ise put karo, so that is 4 hai, 4 minus x, minus lambda, and minus 1, so this is positive hai, clear, 4 minus 1, 3, so that is what, lambda is less than 3 hai, abhi ispe put karo, clear, ispe jab put karoge, so that is what, this is 4 hai, clear, 4 plus x, x means kya, lambda, clear, 4 plus x, and so this is minus 1, so this is also greater than 0 hai, so that means lambda ka jo value hai, greater than minus 3 hai, clear, abhi ye number line mein plot karo, so this is like this, ye kya hai, 3 se kam hai, and dusra 3 se jyada hai, so therefore lambda ka jo value hai, so this is like this, is range pe hai, theek hai, clear, and thoda decorate kar do, so this is x, so x dash, and this is y, or y dash, theek hai, now ye ek bilkul obvious question rakha hai, clear, y is equal to mx plus c is a tangents to a parabola, clear, y square equal to 4x, so c is equal to a by m, a is a tangent hai, clear, so that is isko standard form mein jo line ka standard form hai, so like this, 4y is equal to minus 3x, y equal to mx plus c hai, clear, so that is y equal to this minus 3 by 4x minus lambda by 4 hai, y equal to mx plus c, यहीं पे 4a equal to 12 है, a का value क्या है, 3 है, conditions क्या है, c is equal to a by m है,
c का जगह पे क्या है माइनस लैम्डा बाई फोर, सो दिस इज 3, m का जगह पे क्या है माइनस 3 बाई फोर है, सो दैट इज इज व्हाट माइनस 4 है, सो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 16 है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चंस जस्ट मैंने रखा आपका कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, क्लियर? सो दैट मीन्स इसी टाइप का क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकता है छोटे मोटे एग्जाम में. सो जो स्टेट जेई है, जो वीआईटी वेलोर है, क्लियर, मणिपाल का एग्जाम्स है, क्लियर, फिर जी है, क्लियर, ये सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है. क्लियर? सो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए. Now we'll discuss two fantastic questions related to the given topics, chord, focal chord, ठीक है, clear, and conditions of focal chord and conditions of tangency and intersections of a line and a parabola. So the straight line, this will meet a parabola in two distinct points. So that means क्या, clear, you make this one be a quadratic equations of x है and clear, what will get, so now d को positive कर दो, so this is ऐसा है, clear, so like this y square equal to 4x, ऐसा suppose y is equal to mx, ठीक है, x जब two distinct point में बोला है, suppose p and q में कट रहा है, so this is a क्या होगा m square x minus a का whole square, so this, ठीक है, m square x square minus twice a m square x plus a square m square minus 4ax equal to 0 है, m square x square, और ये दोनों में clear, so this is, ये दोनों में क्या common जा रहा है देखो, so you take common twice a, ठीक है, clear, twice a common ले लो, so this is m square and so this is plus 2 into x and so this is a square m square equal to 0 है, so d is greater than 0, d जब greater than 0 है, 4 a square into m square plus 2 का whole square minus 4 ac, 4 m square a square m square, clear, so this is greater than 0 है, देखो 4 a square तो eliminate हो गया, ठीक है, तो यहीं पे क्या बचेगा देखो, m4 plus 2m square plus 4 minus m4 is greater than 0 है, m4 cancel है, ठीक है, clear, so that means m4 जब cancel है, so this is equal to either right, so this is m square, ठीक है, m square plus 2 is greater than 0 है, clear, so that means क्या, a statement to true hai, whatever you will consider for m, every time it will satisfy it. So that means ka har ek real numbers ke liye statement true hai. So that means first one is the right one. Clear? A samajhne hai. Maine ye do questions Bansal study package se uthaya hai. क्लियर, ये दो क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगा. क्लियर, आप लोग इसका सॉल्यूशंस को भी देख लेना, कुछ नहीं किया, जस्ट बेसिक कांसेप्ट को अप्लाई किया, ठीक है, क्लियर. नाउ अनदर क्वेश्चंस क्या है देखो, अनदर क्वेश्चंस फैंटास्टिक है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चंस जेई एडवांस में पूछने का पॉसिबिलिटीज है. PQ इज अ कॉर्ड ऑफ दिस व्हिच सर्टेन्ड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स, ठीक है, क्लियर. सपोज क्वेश्चन 6 ऐसा है देखो, राइट एंगल एट द वर्टेक्स, सो लाइक दिस, ऐसा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड सो यू कंसीडर सपोज दिस इज PQ a कॉर्ड है, ठीक है, क्लियर. कहां से देखो, यहीं पे राइट एंगल बना रहा है, सपोज लाइक दिस a राइट एंगल है, ठीक है, क्लियर. अभी सपोज यू कंसीडर दिस इज इज s, तो इसका फोकस क्या होगा, ऑब्वियसली यू कैन से 0 1 है, अभी बोल रहा है इसका जो सेंट्रोइड है, लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PSQ है, ठीक है. अभी देखो 4a इक्वल टू 4 है, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो इसका पैरा. नाउ वी डिस्कस, सो हियर स्लोप ऑफ, सो दिस इज स्लोप ऑफ OQ एंड OP इनटू OQ, सो दैट इज इक्वल टू -1. स्लोप ऑफ OP का क्या मतलब है, सो दिस इज t2 बाई 2 एंड सो दिस इज t1 बाई 2 इक्वल टू -1, सो दिस इज t1 t2, सो दैट इज इक्वल टू -4 है. देयर व्हाट विल फाइंड आउट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PSQ, सपोज लेट
सेंट्रियर जो सेंट्रॉइड है सो उसका कोऑर्डिनेट है एच एंड के है वेयर एच इज इक्वल टू हाउ टू राइट एच इज इक्वल टू सो दिस इज जो x कोऑर्डिनेट है सो दिस इज 2t1 प्लस 2t2 प्लस 0/3 है ठीक है सो 2/3 इनटू t1 प्लस t2 है सो दैट इज व्हाट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3h/2 है क्लियर नाउ k इज व्हाट सो दिस इज t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 1 सो दिस इज बाय 3 है सो दिस इज t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर इक्वल टू 3k माइनस 1 है सो दिस इज t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 t सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 3k माइनस 1 एंड t1 प्लस t2 सो दैट इज व्हाट 9h स्क्वायर बाय 4 है क्लियर एंड सो दिस इज t1 t2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 3k माइनस 1 सो दिस इज 9h स्क्वायर बाय 4 सो दैट इज 3k माइनस 9 है क्लियर अभी 3 से डिवाइड कर दो सो 3h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू k माइनस 3 सो दैट इज 3h स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 3 सो दिस इज लोकस ऑफ g लोकस ऑफ g इज सो दैट इज 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 है क्लियर सो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है क्लियर एक बड़े इंस्टीट्यूट का स्टडी पैकेज में मैंने ये क्वेश्चंस देखा था क्लियर सो दिस इज 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 इनटू y माइनस 3 है क्लियर सो दैट मींस दिस वन इज द राइट वन क्लियर दैट्स ऑल नाउ वी विल डिस्कस टू वेरी गुड क्वेश्चंस For your JEE exams, find the equations of the tangents of the parabola y square equal to 12x which passes through the point this. ठीक है? तो so tangent के equations क्या था? Y is equal to mx plus a by a है. mx, so this is plus a. 4a equal to 12, a का value क्या है? 3 है. 3 by a, which is passing through so that is 2 5 है so therefore 5 is equal to 2m plus 3 by m so this implies that 5m equal to 2m square plus 3 है so this is 2m square minus 5m plus 3 equal to 0 है ठीक है so this is 2m square minus 2m minus 3m plus 3 equal to 0 You take common 2m, m minus 1, minus 3 common ले लो, m minus 1 equal to 0 है, so m minus 1 and 2m minus 3 equal to 0, so it will write m का value 1 and 3 by 2 है, जब m का value 1, so it will get, so tangent का जो equations है, so m का value जो 1 है, so this is ax plus 3 है, और जब 3 by 2 है, y is equal to 3 by 2 x and so this is plus 3 by 3 by 2 so this is what 3 by 2 x and a 3 3 cancels so that is 2 है. So these are the equations of tangent passing through this. ठीक है, clear? अभी क्या देखो, find the equations of the circle which pass through the focus of the parabola. This and touch it at 6 9. Clear? Suppose if you consider it like this, we have a parabola aisa hai. Suppose pehle is circle ko draw kar. Suppose like this. This, ठीक है? अभी ये जो point है. Clear, suppose this is a focus of a parabola. ये जो parabola है, इसका focus क्या होगा? So that is 0, 1. And ये जो point है, so that is 6, 9. So this is x, so x dash. And this is y, y dash.
सपोज तुम्हें क्या फाइंड करना है, सपोज दिस इज इसका जो सेंटर है सो दिस इज एच के है, ठीक है भैया, सो दिस इज सी पी इज इक्वल टू सी एस है, सी पी इज व्हाट क्लियर, यहीं से एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी और व्हाट वी डू ना, सो ये जो पॉइंट है देखो ये तो रेडियस हो गया, सो दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, एज वेल एज यू कैन ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है क्लियर। सो दैट मींस टेंजेंट का पैराबोला का इक्वेशंस का क्या होगा, देखो सपोज दिस इज पी क्यू है, पी क्यू का इक्वेशंस क्या होगा, एक्स एक्स वन इक्वल टू, सो दिस इज टू इंटू वाई प्लस वाई वन, एक्स एक्स वन मीन्स क्या, सो दिस इज वाई प्लस नाइन है, सो दैट इज थ्री एक्स इक्वल टू वाई प्लस नाइन, ठीक है क्लियर। सो दैट मीन्स थ्री एक्स माइनस वाई प्लस नाइन इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो है, एंड ए तो नॉर्मल हो गया, सपोज सी पी ए नहीं पे नॉर्मल है तो सी पी का इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई प्लस के इक्वल टू जीरो है, दोनों में इंटरचेंज कर लो, सो दैट इज वाई एक्स प्लस थ्री वाई माइनस के इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट से पास करा दो, सो दिस इज सिक्स प्लस 37 माइनस के इज इक्वल टू जीरो है, सो k का वैल्यू क्या है 33 है, सो दिस इज x प्लस 3y इक्वल टू 33 है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है क्लियर। अभी क्या हो, सो दैट मीन्स क्या, h प्लस 3k इक्वल टू 33 है, दिस इज वन कंडीशन क्लियर। अभी अदर कंडीशन क्या है, सो दिस इज सी पी का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पी माइनस वन का होल स्क्वायर, सो दैट इज सी एस का स्क्वायर एच माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, एंड सो दिस इज पी माइनस नाइन का होल स्क्वायर, सो दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन, एच स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एच, एंड सो दिस इज के स्क्वायर माइनस एटीन के प्लस, सो लाइक दिस, ठीक है एच स्क्वायर के स्क्वायर, सो दिस इज 12 एच प्लस 16 के इक्वल टू इज व्हाट, ठीक है क्लियर। सो दैट इज सो दिस इज 36, सो दैट इज क्लियर, सो सो दिस इज इक्वल टू 3h प्लस 4k, एंड इसको 4 से डिवाइड करो, सो लाइक दिस, नाउ व्हाट यू गेट, सो दिस इज 3h प्लस 4k एंड सो दैट इज इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, देखो 3h प्लस 9k इक्वल टू 99, और ये क्या है, सो 3h प्लस 4k इक्वल टू 29, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज 5k, सो दैट इज k का वैल्यू क्या है ना 14 है, जब k 14 है सो दिस इज h प्लस 42 इक्वल टू 33 है, सो दिस इज h का वैल्यू क्या है माइनस 42, एंड 4 को सो दिस इज सो दैट मीन्स प्रिया, सो नाउ तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो माइनस 9 एंड 14 है क्लियर, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज c है क्लियर। अभी तुम्हें क्या फाइंड करना है ना, रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस इसका क्या होगा, सो दैट इज रेडियस इज सो दैट इज सी एस, सी एस इज व्हाट, 6 माइनस 9, सो दिस इज 9 का स्क्वायर, एंड सो दिस इज 13 का स्क्वायर, सो दिस इज 81 प्लस 169, सो दैट इज इज व्हाट 250 क्लियर। सो इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल, सो सर्कल इज व्हाट ना, इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल, सो दैट इज x प्लस 9 का होल स्क्वायर, एंड सो दिस इज y माइनस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 18x माइनस 28y, एंड सो दिस इज 81 प्लस 196, सो दिस इज इक्वल टू 0 है,
So x square plus y square plus 18x, ठीक है, minus 28y, and here is 196 and 81. So that is what? So this is 27 equal to 0. So this is the required equations of a circuit है. So my dear friends, इसी type का questions करके पूछा जा सकता है. आपको इसी type का questions का ऊपर नजर आपका होना चाहिए और अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए. So my dear friends, आपके लिए जो सक्सेस मंत्र है for your JEE Mains, JEE Advanced or BITSAT exams, so that is try to understand the basics of the subjects. Clear? If you understand the basics of the subjects, any type of problem you can solve within a minute. You will not face any difficulty. Clear? So my dear friends, आपको subject को समझना है and अच्छा book पढ़ना है. जैसे physics के लिए C. Verma and chemistry के लिए NCERT as a reference book, so that is O. P. Tandon and P. Bahadur, and mathematics के लिए booster series from Macmillan Publications written by Rejaul Maksud. That's all.